जावेद साहब, मुझे मिस मायरा का नंबर भेजिए प्लीज। जी, जो हमारी नई एम्प्लॉई हैं। जी हाँ, थैंक यू। हेलो, मैं पूछना चाह रहा था, आप ऑफिस क्यों नहीं आई? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, जी सर, सब खैरियत है। मुझे कुछ काम था। अच्छा ठीक है। आई वॉज जस्ट कंसर्न, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। दापस। मायरा ऑफिस नहीं आई। अच्छा मौका है, अम्मा को इसे घर ले जाता हूं। देखो आतिर, मैं पहले ही बता रही हूं तुम्हें, अगर ये लड़की मुझे समझ में नहीं आई तो इससे शादी नहीं होगी तुम्हारी। आप मिल तो रहे, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। ऐसी कौन सी शहजादी पसंद कर ली है तुमने? शहजादी नहीं है, लेकिन शहजादी से कम भी नहीं है। तो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का तो दिमाग खराब हो गया है। तनी क्या चाहते हो? अब और कितनी दूर जाना है? 5-10 मिनट और मैक्सिमम। ये कहाँ आ गए हो तुम? आपके लिए सरप्राइज है, ये आपकी बहू का ख्याल है। क्या मतलब है, तुम इतनी गंदी सी जगह पे मुझे लेकर आए हो? जगह से बहू का क्या ताल्लुक है? आप जगह को छोड़िए, जगह गंदी है, लेकिन आपकी होने वाली बहू बहुत अच्छी है। आप उसे मिले तो मैं आपको बताऊं, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। कैसी बातें करते हो आप? मेरे जहन में तस्वीर है एक शहजादी का, कि तुम्हारे लिए मैं एक हीरे जैसी लड़की लेकर आऊं। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि हीरा कोयले की कान में ही मिलता है, तो बस अब यही समझ लीजिए। इलाके वलाके को छोड़िए, आप लड़की देखिए, आप अपना मूड ठीक कीजिए और मेरी खातिर एक बार मिल लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी। अच्छा बस करो, ये फजूल बातें बंद करो। मिल तो लीजिए, मूड ठीक कीजिए अपना, आइए ना प्लीज। इतना गम ना करो नुसरत, ये समझो तुम अपने बेटों का सदका दे रही हो। बेटे, अरे तुम्हारे अपने होते तो क्या गम था। अरे भाई, दामाद भी तो बेटों की तरह ही होते हैं ना। अरे इनके सर से ये बला टल जाए ना, तुम्हारी बेटियों को सादगी से मोहब्बत से ब्याह कर ले जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नानी, मैंने सुना है आप और मुमानी किसी ज्वेलर के काम से जा रही हैं, तो अब्बा ने कहा था पूछ लूँ आपसे, अगर आप कहें तो साथ चलूँ। हालात ठीक नहीं है ना, चोरी डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, घर का मर्द साथ हो तो बेहतर रहता है। अरे हाँ, इससे अच्छी और क्या बात होगी बेटा। 10 मिनट में पहुँचता हूँ नानी। हाँ, आ जाओ आ जाओ, आज तो मायरा भी घर पर है। ये तो और भी अच्छी बात है, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। चलो आ जाओ, शाबाश, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वो हम लोग दरअसल मायरा से मिलने आए हैं।
तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं अम्मी, मैं ऑफिस नहीं गई ताकि आप लोगों को एक और बार समझा लूं कि ये बात सही नहीं है। मायरा, मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस जाओ, नहीं तो अपने कमरे में बंद रहो। अम्मी, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? दादी, अम्मी, बाहर कोई लड़का आया अपनी अम्मी के साथ और वो कह रहा है कि वो मायरा का दोस्त है। मायरा मेरा दोस्त? रुको लड़की, तुम्हें पता है ना कि अभी सलमान आने वाला है, मैं खुद जाती हूँ देखने के लिए और उसको सलमान के आने से पहले पहले यहाँ से रुखसत करती हूँ। और तुम भी अजीब लड़की हो, अजनबियों को बुला के घर में घुसा के बिठा लिया। पता भी है आज हमें कितने जरूरी काम है। छह बेवकूफ लड़की हो। मुझे इस लड़की का नाम तो बताओ। मायरा। प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए आप। ये मैं आपको बता दूं कि मैं अगर शादी करूंगा तो इसी से शादी करूंगा मैं भी। और प्लीज अब इनसे अच्छे से बात कीजिएगा आप। मुझे मेरी पोती ने बताया है कि मायरा के मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरा नाम आतिर है और ये वालदा है मेरी। वो दरअसल मैं और मायरा एक साथ काम करते हैं, कॉलीग्स हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपनी वालदा को मायरा की फैमिली से मिलवाऊं, अच्छा रहता अगर सारे मिलते रहें तो। बस मैं समझ गई हूं तुम्हारे आने का मकसद। दादी ने मना किया है ना? अम्मी मुझे देखे तो देख, कौन है? तुम्हें बताया नहीं कि उसने अपना नाम आकर बताया? मायरा, तुम मुझे अपनी दादी के सामने शर्मिंदा तो नहीं करवाओगी? मैं क्यों करूंगी आपको शर्मिंदा? आपको क्या हो गया अम्मी? कोई और वक्त होता या कोई और मकसद होता तो मैं चाय और ठंडे से तुम्हारी तवाज़ो करती, मगर अब नहीं करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, चाय की जरूरत ही नहीं है। आप मायरा को बुलवा दीजिए ताकि मैं अम्मी से मिलवा दूं उसको। समझदार लगती हो तो ये भी जानती होगी कि जब कोई जवान बेटा अपनी माँ को किसी लड़की से मिलवाने के लिए लाए तो उसका क्या मतलब होता है?